हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सबके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दैट इज़ कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब आप एक पीएचडी सुपरवाइज़र का चुनाव करने वाले हो। हम सब जानते हैं कि हम एक पीएचडी कोई भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करके एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू की मेहनत करते हैं जिससे हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ मानता हूँ आपके लिए, पर सुपरवाइज़र का चुनाव करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब जो है ये आपके मैक्स टू मैक्स क्या है 6 मंथ या इस टाइम ड्यूरेशन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, पर जो पीएचडी सुपरवाइज़र है वो आपको पूरे पीएचडी के टाइम ड्यूरेशन में आपको हेल्प करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है। और उनके पास अगर नॉलेज होगी, उनके पास आपके लिए टाइम होगा, उनके लिए आपके लिए आपके उनके पास उतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, तभी वो आगे जा करके आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं और आप अपनी पीएचडी को एक नॉलेजेबल तरीके से और स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्टैकल आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे आगे जा करके आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों के सामने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने लाइफ के 3 ईयर्स पीएचडी को दिए, बट ड्यू टू सम ऑफ दी सम ऑफ दी कोऑर्डिनेशन इशू और सम ऑफ दी अनयूजुअल डिमांड्स ऑफ सुपरवाइज़र, वो जो हैं कंप्लीट नहीं कर पाए अपने पीएचडी, बिकॉज दे आर ही और शी इज़ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द सुपरवाइज़र, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल डिमांड और सम अदर डिमांड। ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि ऐसा आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इससे सारे वीडियोज़ और पीडीएफ्स आपको एक्यूमेटेड मैनर में एक जगह मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है पॉइंट आपको ध्यान देना है, दैट इज़ नंबर ऑफ रिट्रैक्शंस। ये कुछ डिफरेंट मैं चीज़ें आप लोग के लिए लेके आया हूँ, हो सकता है आपने ये कभी सुनी नहीं होगी, और ये सब चीज़ें आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे आगे जा करके आप एक अच्छा पीएचडी सुपरवाइज़र का चुनाव कर सकें। ये रिट्रैक्शंस होता क्या है? रिट्रैक्शन जनरली होता है कि जब आप किसी जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करते हो या अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करते हो, और ड्यू टू नॉट फॉलोइंग प्रॉपर रिसर्च एथिक्स, ड्यू टू फैब्रिकेशन, ड्यू टू फॉल्सिफिकेशन, और ड्यू टू सम प्लैगरिज्म इशू, और ड्यू टू सम अदर फ्रॉडलेंट मैल प्रैक्टिसेस, आपका जो रिसर्च पेपर जो उस जर्नल में पब्लिश हो चुका है वो वापस से रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। रिट्रैक्ट मतलब वापस ले लिया जाता है, उससे हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद जो है वो इस एक वेबसाइट है जिसे मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज retractionwatch.com। ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑथर है इनका ये जो है वर्क या ये जो रिसर्च पेपर्स हैं ये रिट्रैक्ट कर लिए गए हैं। और रिट्रैक्ट एक बहुत ही गलत शब्द है, एक बहुत ही एक बैड फीलिंग लेके आता है, बिकॉज रिट्रैक्शन मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको जाना है यहाँ तक। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे जो है होम पेज पे दिखने लग जाएंगे, क्योंकि आज कल COVID-19 बहुत फेमस है, तो बहुत सारे लोगों ने COVID-19 के ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। मैंने क्योंकि अभी जो इस वेबसाइट पे विजिट किया, बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर्स COVID-19 पे लिखे हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि रिट्रैक्ट कर लिए गए हैं। रिट्रैक्ट करने का मेन मकसद क्या है? बिकॉज उन्होंने रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं किया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप जाओगे इस वेबसाइट में, वहाँ पर एक रिट्रैक्ट डाटाबेस है, रिट्रैक्शन डाटाबेस है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे जो है मिल जाएंगे ऐसे पेपर्स या ऐसे ऑथर के नाम आपको पता चल जाएंगे जिनके मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो हैं वो रिट्रैक्ट कर लिए गए हैं। और रिट्रैक्ट करने का मतलब है कि उनको जर्नल से वापस ले लिया गया है, उस जर्नल से हटा दिया गया है। क्यों? बिकॉज उन्होंने रिसर्च एथिक्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया था। अब जो जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह वहाँ पे होगी, अगर आगे जा करके आप अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको कोई इशू आती है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। रिट्रैक्शन वॉच
com पे आप जाने के बाद आप डाटाबेस में जाएंगे तो आपको सारे के सारे जो है पेपर्स मिल जाएंगे जो कि जनरल से रिट्रैक्ट कर लेगा और वहाँ पे वो शो होने लगते हैं, जिससे एक इंसान को पूरी अवेयरनेस हो जाए कि ये पर्टिकुलर ऑथर। और कई सारे तो मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं, क्योंकि मुझे किसी ने ये बताई वेबसाइट, इसलिए मैं आपसे ये साझा कर रहा हूँ कि किसी एक ऑथर के यू नो 12-12, 13-13 रिसर्च पेपर्स जो है वो रिट्रैक्ट कर लिए गए हैं। अब सोचो कि अगर आप उनके अंदर आप काम करोगे तो आपको क्या प्रॉपर रिसर्च एथिक्स की नॉलेज मिल पाएगी? आप भी जो है एक तरीके से यू नो फ्रॉडलेंट मैल प्रैक्टिसेस में फंस जाओगे और फिर आपकी PhD जो है वो डिले हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑथर से आप बचिए जो रिट्रैक्शन watch.com के अंदर जिनका जो है रिसर्च पेपर यू नो साइट कर दिया गया है, जिससे आगे जा कर के आपको पता चले कि इस ऑथर से मुझे यू नो इस ऑथर के अंदर मुझे गाइडेंस या सुपरविजन नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट फॉलोइंग रिसर्च एथिक्स प्रॉपरली, और जो कि आपको भी कहीं ना कहीं तरीके से अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज जो जैसा होगा वो वैसे ही आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि आप retractionwatch.com में जाने के बाद आप यू नो ज़रूर देखिए कि जो भी ऑथर आपने चूज़ किया है, जो भी ऑथर आपको लग रहा है कि हाँ इस ये जो ऑथर है ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट मत देखिए, उसके अंदर आप इस यू नो वेबसाइट में जब जाएंगे तो आप ये भी देखिए कि क्या इनके जो रिसर्च वर्क है ये कोई रिट्रैक्ट तो नहीं हुआ है, हटाया तो नहीं गया ड्यू टू नॉट फॉलोइंग दी प्रॉपर रिसर्च एथिक्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप जो है उस पर्टिकुलर ऑथर को या उस पर्टिकुलर सुपरवाइज़र को आप काटा लगा दीजिए, बिकॉज वो जो है आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट आपको बता दिया रिट्रैक्शन के बारे में कि नंबर ऑफ रिट्रैक्शंस आपको देखने हैं, जितने ज़्यादा रिट्रैक्शंस होंगे या कोई भी अगर इवन 2 or 5 ऐसे क्वांटिटी में भी रिट्रैक्शंस है तो आप अवॉइड करिए और किसी दूसरे सुपरवाइज़र को अप्रोच करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट जो यू नो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल केस आ रहा है, ये मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, दैट इज़ सेक्शुअल हरासमेंट। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है सेक्शुअल हरासमेंट, ये एक केस है जिसमें जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाता है, अनफेयर एडवांटेज जो है यू नो जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उठाते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स का, और उससे जा करके क्या है कि बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो या फिर क्विट कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ यू नो उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या उनकी जो PhD है वो बीच मझधार में फंस जाती हैं। यहाँ पे ना सिर्फ मैं सेक्सुअल हरासमेंट की बात करूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे हरासमेंट्स हो सकते हैं कई बार जो सुपरवाइजर्स, और ये कैसे पता चलेगा आपको पहले ये तो बताइए, आप जो उनके अंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उनसे आप बात करिए, थोड़ा सोशलाइज होना पड़ेगा आपको, है ना, उनसे आप बात करिए कि व्हाट इज़ दी यू नो अप्रोच और व्हाट इज़ दी कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपरवाइज़र, जिससे आपको उनके कैरेक्टर का पता चले और क्या ये काम वगैरह घर का तो नहीं करते। बहुत सारे मैंने इनफैक्ट ये भी देखे हैं सुपरवाइजर्स जो अपने घर का भी काम, अपने बच्चों की फ़ीस पे करो या फिर बैंक में डिपॉजिट करो या फिर घर का कोई काम है ग्रॉसरी लेके आओ, ये सब चीज़ें भी करवाते रहते हैं। जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन आप पूरी लेनी, जैसे कि हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम बच्चों से पूछते हैं ना कि कॉलेज कैसा है या पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, इन दी सेम वे आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ किसी प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट या और किसी तरह की हरासमेंट तो नहीं हो रही है, जिससे आपको उस पर्टिकुलर गाइड का जो है वो पता चल जाए और फिर आप उनके अंडर रजिस्टर होने से बच जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से आपको जब बाद में पता चलेंगी फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ क्या फिर आप कोई ना कोई गलत कदम उठा देते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है दैट इज़ प्रोफाइल एंड पब्लिकेशन, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोफाइल एंड पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है देखना कि जो भी रिसर्च सुपरवाइज़र आप चुनने वाले हो उनकी जो प्रोफाइल है उसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई रिसर्च पेपर्स या वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज़ यू वांट टू यू नो डू योर रिसर्च प्रपोजल इन द सब्जेक्ट मार्केटिंग, तो आपको देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर यू नो PhD सुपरवाइज़र ने मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं या उनकी जो है थीसिस मार्केटिंग के ऊपर थी या कैसी थी या किस तरीके से उन्होंने यू नो मार्केटिंग की फील्ड में अपना एक नाम बनाया है, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो इंसान जो है आपको मार्केटिंग जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोफाइल आप देखो, एक्सपीरियंस देखो कितना साल का एक्सपीरियंस है। अब पब्लिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन मतलब क्या होता है, पब्लिकेशन मतलब ये होता है कि आप आजकल तो क्या है कि गूगल स्कॉलर आप सब जानते हो, गूगल स्कॉलर में जितने भी स्कॉलर्स होते हैं उनका जो है पूरी प्रोफाइल उनकी पब्लिकेशंस दी होती है कि रीसेंट पब्लिकेशन से पूरा उनके पास डाटा होता है कितने रीसेंट पब्लिकेशंस उनकी हैं और क्या कैसा है किस में उन्होंने किस क्वालिटी जर्नल में उन्होंने जो है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराया। सपोज किसी ने अगर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में अपना रिसर्च पेपर
पब्लिश कराया है या फिर यूजीसी अप्रूव में कराया है, तो आप उनमें देखो कि हाँ मतलब उस इंसान के पास उतनी नॉलेज होगी, उतना एक्सपीरियंस होगा, उतना यू नो क्वालिटी होगी, तभी वो ऐसी यू नो रेनोड जर्नल्स में या यूजीसी अप्रूव जर्नल्स पे अपना रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करा रहे हैं। तो आप ये देखो रीसेंट पब्लिकेशंस देखो, ओल्ड पब्लिकेशंस में इसलिए नहीं बोला बिकॉज शुरुआती स्टेज में हम सब लोग जो है वो कच्चे थे, एकदम से ही हम बिल्कुल परिपूर्ण नहीं हो जाते, धीरे धीरे जैसे हमें नॉलेज मिलेगी, जैसे कि हमें यू नो एक्सपीरियंस मिलता रहता है, ऐसे ऐसे हम अपनी हमारी जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली एनहेंस होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस देखनी वो है रीसेंट से देखनी है, और ये भी देखना है कि ये पर्टिकुलर जो है पब्लिकेशन इट इज़ रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट और नॉट, और वो कहाँ पब्लिश किया है, बिकॉज अब हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज जर्नल्स का अपना एक वेटेज है, यूजीसी अप्रूव्ड का अपना एक वेटेज है, और पेड जर्नल्स का अपना एक वेटेज है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी पब्लिकेशंस कैसी हैं, इनकी प्रोफाइल कैसी है, और जब आपको लग रहा है कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मैचिंग विद माई प्रोफाइल, ही कैन गाइड मी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, देन ओनली यू शुड सेलेक्ट हिम और हर। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन और कॉन्टैक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिसर्च जो गाइड्स होते हैं या जो पीएचडी सुपरवाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है एज एन यू नो एमिनेंट यू नो इंडिविजुअल एंड एमिनेंट पर्सनैलिटी भी काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जितने जो जहाँ से मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो यू नो सुपरवाइजर्स है, दे आर यू नो दे आर अ मेंबर ऑफ अकेडमिक काउंसिल, हम पढ़ चुके हैं हायर एजुकेशन में अकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, या फिर दे आर दी मेंबर ऑफ यू नो बोर्ड ऑफ स्टडीज़, या उन वो बहुत यू नो IIT या IIM में उनके जो पैनल्स होते हैं उनके एक वाइवा जो करवाते हैं, एक्सटर्नल वाइवा जो होता है उस पैनल के ही इज़ अ मेंबर और सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जितना ज़्यादा कोई इंसान घूम के आया होगा जगह जगह पर, जितना ज़्यादा उसको यू नो उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल सकता है। ठीक है, सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर कोई इंसान की कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही इज़ यू नो अकेडमिक काउंसिल, तो आपको अगर जाना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तो आप आसानी से जा सकते हो, क्यों, बिकॉज उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर का वहाँ पे कॉन्टैक्ट है। ठीक है, या कई बार कई सारे ऐसे होते हैं जो लोग अब्रॉड में भी जिनका एक अच्छा यू नो कोलैबोरेशन होता है, अब्रॉड में उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सपोज आगे जाकर के यू वॉन्ट टू गेन सम यू नो अब्रॉड या फॉरेन यू नो एक्सपीरियंस ऑल्सो, यू वॉन्ट टू गेट सम एक्सपोजर फ्रॉम फॉरेन ऑल्सो, तो भी आप क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट सुपरवाइजर, उनके कॉन्टैक्ट से आप वहाँ जा करके अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सकते हो। तो जो इंसान ज़्यादा जगह से यू नो रिलेशन रखता है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत जगह से कोलैबोरेटेड है, तो ऑटोमेटिकली उनकी बहुत जगह पहुँच होगी और उनको उतना ही ज़्यादा यू नो क्वांटम ऑफ नॉलेज होगा बिकॉज वो इतनी जगहों पर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तो आपको एडवांटेज मिल सकता है अगर आप उनके अंडर रिसर्च स्कॉलर काम करोगे, बिकॉज आपको भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट यू नो नॉलेज और उतना ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका मिल सकता है, और वहाँ पे भी वहाँ की वर्किंग समझने का मौका मिल सकता है, अपनी नॉलेज को एनहांस करने का मौका मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स कोलैबोरेशन हैं, वो भी उनके प्रोफाइल में ही लिखा होता है कि ही इज़ दिस एंड दिस, ही इज़ दिस एंड दिस, तो आपको उतना ही ज़्यादा जो है नॉलेज और एक्सपोजर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ आर फोर्थ, नाउ दिस इज़ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ फंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडिंग। फंडिंग जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम, ये मैंने आपको जब आपको मैंने बताया था कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वैसे मैंने बहुत सारी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू वगैरह की, तो आप उसको भी देख सकते हो। आपका जो यूनिवर्सिटी है या जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, है ना, बिकॉज उनको उनके पास एक पर्टिकुलर एक फ़ंड रहता है दैट दे हैव टू स्पेंड ऑन दी रिसर्च स्कॉलर्स, राइट। उनके पास जैसे कि अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूँ तो उनके पास उतने, जैसे कोई केमिस्ट्री से पर्सन है बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरफ से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पास वेल इक्विपमेंट्स है या नहीं, या जो केमिकल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को देखनी है उनके पास, उनमें उन्होंने इन सब चीज़ों में फंडिंग की है कि नहीं की है, हमारे रिसर्च में फंडिंग की है कि नहीं की है, समझ में आया। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है अगर कोई भी आप यू नो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ये बीच में मैंने इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का इसलिए डाल दिया बिकॉज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं होंगे तो उनका सुपरवाइजर जो है वो भी वो फंड्स उनको भी एलोकेट नहीं किया जाएगा, जब उनको एलोकेट नहीं किया जाएगा तो आपको एलोकेट नहीं किया जाएगा, और आपको एलोकेट नहीं किया जाएगा तो आप जो है आपको उतनी रिसर्च की नॉलेज नहीं हो पाएगी। अगर कोई आपको पैसा प्रोवाइड करेगा, कोई फंड्स प्रोवाइड करेगा, तो आप उससे क्या है कि आप या उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन में फंडिंग प्रोवाइड की हुई है कि हाँ आपने रिसर्च स्कॉलर के लिए ये चीज़ें हम एक्सपोजर कर रहे हैं, या कोई अगर यू नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा है या कोई और टेक्निकल फील्ड में पीएचडी कर रहा है तो
तो हमने ये इक्विपमेंट्स ये केमिकल्स रखे हुए हैं, तो वो उतना ज़्यादा उनको, जैसे कि हम एक अच्छा एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, जैसे हम जिम वगैरह कहीं ज्वाइन करने जाते हैं तो हम देखते हैं एक बार कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, ठीक है। तो इन दी सेम वे यहाँ पर भी आप उनसे रिलेट कर सकते हो कि उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना प्रॉपर फंडिंग यूनिवर्सिटी कर रही है कि नहीं कर रही है अपने सुपरवाइज़र को, जिससे जो सुपरवाइज़र है वो फंडिंग हमारे पे कर सके। ये भी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो, और ये चीज़ें भी आप किससे पूछ सकते हो, ये भी जो उनके अंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यू नो रिसर्च स्कॉलर्स, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको किस तरीके से, कई सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो फंड्स प्रोवाइड करती हैं अपने रिसर्च स्कॉलर को कि आपकी बाहर जा करके आप यहाँ कोई रेनोड इंस्टीट्यूशन में जा करके आप कुछ यू नो सर्टिफिकेशन कोर्स करो या सच लाइक थिंग्स। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका एक्सपोजर मिलेगा। कुछ लोग फॉरेन के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, पूछनी है कि फंडिंग प्रॉपर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी तो ही रिसर्च जो है पीएचडी सुपरवाइज़र को वो फंड्स मिलेंगे, और वही जो पीएचडी सुपरवाइजर्स है वो अपने रिसर्च स्कॉलर में वो फंड्स प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका जो है एक्सपोजर और नॉलेज इंक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ सिक्स्थ पॉइंट, और वो ये है कि किसके अंदर जो है पीएचडी करनी चाहिए। अब प्रोफेसर, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली में एक टेलीग्राम पे, इसलिए मैं ये लेके आ गया। प्रोफेसर जो एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा है उनके अंडर मुझे अपनी पीएचडी परस्यू करनी चाहिए, या एसोसिएट प्रोफेसर, ये तो आपको पता ही होगा, एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर करनी चाहिए, या फिर करनी चाहिए मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यू नो डिबेटेबल मामला है। जैसे कि अगर आप किसी प्रोफेसर के अंदर करोगे तो उनके पास तो बहुत एक्सपोजर होगा, बहुत नॉलेज होगी, बहुत एक्सपीरियंस होगा, पर आपके लिए टाइम नहीं होगा। जब टाइम नहीं होगा तो फिर क्या उनके अंडर काम करने से कोई फ़ायदा है? नहीं है फ़ायदा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको खूब टाइम देगा, खूब आप पे कॉन्सेंट्रेशन करेगा, पर अभी वो नया है, उसके पास उतनी क्वांटिटी में नॉलेज नहीं होगी, तो आपको वो नॉलेज नहीं दे पाएगा जो कि एक इंसान दे सकता था अगर वो एक नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता हो। तो बचा क्या? बचा एक एसोसिएट प्रोफेसर। तो आपको प्रेफर करना है वो पीएचडी सुपरवाइज़र जो कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर वर्क कर रहा है, बिकॉज उनके पास एक बैलेंस्ड काम रहता है, उनके पास एक यू नो एक्सपोजर और नॉलेज भी होती है, उनके पास एक टाइम फैक्टर भी होता है जो कि वो आप पे लगा सकते हैं। तो आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, आपके लिए टाइम भी होगा, तो जिससे क्या है आपकी पीएचडी जो है स्मूथली जो नो कम्प्लीट हो सकती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये फोकस करना है कि आपको एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रेफर करना है, बिकॉज एसोसिएट प्रोफेसर्स ये दोनों चीज़ नॉलेज और टाइम में एक बैलेंस बना के रखते हैं, जिससे आपका जो है पीएचडी अच्छी तरीके से हो जाती है और एक नॉलेजेबल तरीके से होती है और यू नो टाइमली कम्प्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट क्या है, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर मैंने आपको कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बताया, दैट इज़ नेचर। नेचर मैच होना चाहिए आपका और उनका। कई सारे ऐसे यू नो सुपरवाइजर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल होते हैं कि मुझे 9 बजे चाहिए अपना जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, और आपको बिल्कुल 8 बजे से पहले आपको घर नहीं जाना रात के। तो ऐसे ही भले आपका काम कितना भी हो, पर आपको इस टाइम से इस टाइम तक रहना है, मतलब वो एक तरीके से एक यू नो प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज्ड में काम भी करते हैं, है ना, जिनको जिनके ऊपर जब तक प्रेशर नहीं आया तब तक वो काम नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज्ड में काम नहीं कर सकते, जैसे कि मैं। अगर आप मेरे सामने इस तरह पे खड़े हो जाओगे, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एक उतना 100% नहीं दे पाऊँगा जो कि मुझे जो मैं दे सकता था, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि आपका नेचर उनके साथ कैसा मैच कर रहा है। ये तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो बाद में पता चलेगा हम लोगों को, है ना, तो ये चीज़ आपको पता नहीं करनी है कि आप एनरोल होने के बाद फिर धक्के खा करके आप वापस से यू नो शुरुआत करो। आपको ये पूछना है जो उनके अंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर्स हैं कि कैसे हैं सर। वो बोलेंगे कि यार थोड़े से यू नो पंचुअल कुछ ज़्यादा ही हैं, आपका काम कंप्लीट हो या ना हो, या कभी कभी संडेज को भी बुला लेते हैं, आपका काम कंप्लीट हो या ना हो, आपको 8 बजे तक रहना ही है, ओवर टाइम काफ़ी बार प्रेफर करते हैं, या ये सब चीज़ें, तो आप ये सब चीज़ें देखो, बिकॉज गर्ल्स को काफ़ी हद तक ये देखना होता है, खासकर जो मैरिड गर्ल्स होती हैं या फिर जो मैरिड मैन या वुमेन होते हैं, क्योंकि उनको घर की भी कुछ दायित्व होते हैं, उनके घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये सब फैक्टर्स भी आप देखो कि क्या वो देख रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि कोई मतलब नहीं है, आप काम से मतलब है, आप जो है घर से करो यहाँ से करो, मुझे काम जो है इस टाइम पे मिल जाना चाहिए। लोग और खुश होते हैं कि चलो ठीक है, उनको काम से मतलब है, हम रात को 3 बजे करें या सुबह 5 बजे करें, 8 बजे तक हमारी जो है रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो आपको ये भी देखना है रिसर्च स्कॉलर से कम्युनिकेट करके, कॉन्वर्सेशन करके, कि दिस पर्टिकुलर सुपरवाइज़र इज़
यू नो अलाउिंग अस, ही इज़ फ्लेक्सीबल और ही इज़ यू नो ही वॉन्ट्स टू वर्क इन ए प्रेशराइज इन्वायरमेंट और ही मेक देयर रिसर्च स्कॉलर्स प्रेशराइज और सच थिंग्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 7 पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको बताए. रिट्रैक्शंस बताया, रिट्रैक्शन के बाद मैंने आपको सेक्शुअल हरासमेंट के बारे में बताया, ये आपको देखना है. उसके बाद आपको प्रोफाइल और पब्लिकेशंस बताया जिन जिनके अंडर आप काम करने वाले हो. उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स कोलैबोरेशंस कितने हैं जिससे आपको एक्सपोजर मिल सकता है. फंडिंग आपको देखनी है कि आप पे पैसा लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, अगर आगे जा करके आपको है ना अब्रॉड में या किसी एक रेनोड इंस्टीट्यूशन में आपको 6 मंथ का अवसर मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की. और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपको एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर वर्क करना है, बिकॉज ही कैन मैनेज द टाइम एंड यू कैन से नॉलेज इन अ बेटर वे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर आपको देखना है कि आपके नेचर से जो है वो यू नो मेल खाए, एक केमिस्ट्री हो आपके और आपके सुपरवाइजर के बीच में जिसमें वर्कोहॉलिक एनवायरनमेंट हो और ना कि एक प्रेशराइज एनवायरनमेंट हो. सो दिस वॉज द वीडियो ऑन हाउ टू चूज अ PhD सुपरवाइजर, की पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू. तो आप ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करिएगा, बिकॉज ये आपको आपके PhD पूरे ये डिसीजंस जो हैं, एक गलत डिसीजन PhD सुपरवाइज़र का आपको लंबे समय तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आप बहुत फंस सकते हो और आपको जो है बहुत प्रॉब्लम्स का यू है सामना करना पड़ सकता है. तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने PhD सुपरवाइज़र का चुनाव करिए. इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.